सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुश्किल भरे दिन देखने, काटने और परेशान होने के लिए नहीं होते। ऐसे दिन तो लड़ने, सीखने और मुश्किलों के साथ मजा लेकर उन्हें दोस्त बनाने के लिए होते हैं। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई। टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। शिक्षा का वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबा से फल देता है। आज का पंचांग 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम 4:12 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 1:48 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। धनु राशि 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे किंतु अनावश्यक खर्चे ना करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। ग्रह गोचर सार्थक बना हुआ है। आप अपने कार्य करने की शैली और अव्यवस्था में उचित परिवर्तन लाने का प्रयास करें। इससे पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां आपकी सकारात्मक तथा संतुलित कार्य प्रणाली द्वारा काफी हद तक सुलझ जाएगी। धीरे धीरे आप प्रयत्न करके एक एक काम मन के अनुसार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका ध्यान मौज मस्ती पर ही बना रहेगा, इसलिए भविष्य से संबंधित चिंता ना करें। मित्र और परिवार के साथ में प्रेम बढ़ता रहेगा। करियर में अपेक्षा के अनुसार बदलाव लाना संभव हो सकता है लेकिन फिलहाल योजना पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। पार्टनर से प्राप्त हुए सरप्राइज की वजह से आनंदित महसूस करेंगी। सावधानियां, ध्यान रखें कि किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। स्वभाव में ईगो और अति आत्मविश्वास जैसे नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवार जनों का सहयोग आप पर बना रहेगा परंतु प्रेम संबंधों में कभी कभी अविश्वास जैसे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो लोग जीवन साथी की तलाश में है उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आप आज किसी को आकर्षित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मिलें और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वे भी अपने रिश्ते में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रास्ता टूटेगी। आप अपने साथी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर सकती हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख कर सकती हैं, आनंद में समय व्यतीत कर सकती हैं। बात करते हैं करियर की। आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना सच हो सकता है। हालांकि दस्तावेज से जुड़े कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप चाहते थे तो धन की वर्षा भी आप पर होने लगेगी। इस समय बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती है परंतु जल्दी परिस्थितियां आपके पक्ष में होगी, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहें। नौकरी पेशे लोगों को अपनी ऑफिस की अव्यवस्था मनोनुकूल ना होने की वजह से सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आएगी। बात करते हैं सेहत की। पाचन प्रणाली कमजोर रहेगी। हल्का और प्राचुर्य भोजन ग्रहण करें।
हर रोज अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। हो सकता है कि आप इस समय सही से या ना जान पाएं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इतना तो समझ जाएंगे कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। चाहे आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दुर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।